अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा शाकिब। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को सेहत दे, खुश रखें। और ये देखें फ्रेंड्स, सितंबर का महीना आ चुका है और बहुत सारे हमारे गार्डन के काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से गार्डन वर्क किया जाए, क्योंकि बहुत सारा काम बारिश की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ था। बारिश के टाइम में तो हम लोग खाद वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर पाते हैं प्लांट्स में, क्योंकि जब बारिश के टाइम में इसलिए नहीं करते हैं फ्रेंड्स कि बारिश का पानी तो ऐसे प्लांट्स पे पड़ता ही है, जो भी हम लोग खाद वगैरह डालेंगे तो वो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पानी के जरिए इस तरह बाहर आ जाएगा। इसमें डालेंगे तो इस पर पानी पड़ेगा बारिश का, तो पूरा खाद वगैरह हमारा निकल जाएगा, तो प्लांट को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी बारिश का सीज़न, बहुत जगह पर बारिश अभी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा गार्डन वर्क कर लिया जाए। तो चलिए इस तरह से, ये देखें फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट है, अभी इसमें मुझे कंपोस्ट डालना है। और ये देखें, ये क्रोटोन का प्लांट है, और ये देखें बहुत ही हेल्दी प्लांट है। देखें इस तरह से इसमें नए देखें लीफ भी आ रहे हैं, देखें, और बहुत हेल्दी प्लांट है। इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगी कि इसकी केयर कैसे करते हैं, पूरा फुल वीडियो लेकर आऊँगी। तो देखें और जब भी फ्रेंड्स खाद डालें तो इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें मिट्टी की। इस तरह से, और ये देखें फ्रेंड्स, ये है बिगोनिया का प्लांट, तो इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है, मेरे पास था तो मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है। अभी रिपोर्टिंग का ये बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स, अगर आप जो भी प्लांट है आपके, तो वो रूट बाउंड हो चुके हैं या आपने जो भी प्लांट लगाया है, तो उसको अभी रिपोर्ट करने का बेस्ट टाइम है ये। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो बढ़िया इसकी रूटिंग हो गई थी, तो अभी इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। देखें ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है, और अभी मैं इसको आपको इस कैसे कटिंग से ग्रो करते हैं ये भी मैं दिखाऊँगी। ये इसी प्लांट का ये इस तरह से बाहर टूट गया था फ्रेंड्स, इसको लगाने में अभी मुझसे ये टूट गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे लगती है। तो ये देखिए एक ये प्लांट मैंने इस तरह से अभी रिपोर्ट किया है, तो इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और इधर एक ये है, तो इसको भी मैंने कटिंग से ही, ये देखिए फ्रेंड्स एक ये है, तो इसको भी मैंने कटिंग से ही बिगोनिया को ग्रो किया था, तो इसकी भी मैंने आज रिपोर्टिंग की है। तो आप भी प्लीज़ जल्दी जल्दी सारे ये अपने काम कर लें इस महीने में, और जो भी रिपोर्ट करने का है जो प्लांट, तो वो जल्दी से आप रिपोर्ट कर लें। ये देखें इस तरह से खाद वगैरह जो भी डालना है, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप प्लांट में अपने डाल सकते हैं। तो चलिए, और ये देखें फ्रेंड्स, ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, देखें इस तरह से, तो आज इसकी भी मैं कटिंग लगाऊँगी। इसको किस तरह से लगाते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखें ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको तिरछा कट कर लिया है, इस तरह से देखें। और ये एलोवेरा जेल है, ये रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है। मेरे पास रूटिंग हार्मोन पाउडर जो होता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और मेरे पास है भी नहीं, और मैं उसको यूज़ कभी भी करती नहीं हूँ। मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ जब भी प्लांट लगाती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है, इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर आप एक प्लांट्स लाते हो फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते रहते हैं, तो इस तरह से आपके ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे एक प्लांट से। तो चलिए इस तरह से, ये देखें इसमें एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। आज इसमें मैं फंगीसाइड कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, पर मैंने इसमें थोड़ा सा मिट्टी में फंगीसाइड मिला दिया था, कि अभी प्लांट ये लगा रही हूँ, इसको ऐसे प्रोपोगेट कर रही हूँ, तो कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए कटिंग्स में। तो इस तरह से ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेना, ये देखें इस तरह से, और इतना अंदर, एक डेढ़ इंच अंदर जाना चाहिए। तो अभी बढ़िया टाइम है अब कटिंग्स भी लगाने का, तो आप अगर चाहते हैं तो कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको रखना कहाँ है, तो जो भी कटिंग्स आप लगाओगे इसको सेमी शेड एरिया में ही रखना है, कटिंग्स को कभी भी सनलाइट में नहीं रखते हैं, कटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैं भी इसको सेमी शेड एरिया में ही 10-15 दिन रहने दूँगी, और 10-15 दिन के बाद ऐसी जगह इसको शिफ्ट कर दूँगी जहाँ इसको 1 से 1.5 घंटे की ही सनलाइट मिले। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इसको पानी कब कब देना है, तो
इस कटिंग्स को ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, नहीं तो इसकी स्टेम ख़राब हो जाती है तो हमारी कटिंग्स फेल हो जाती है। आपको आपको फिंगर टिप की हेल्प से इसकी मिट्टी चेक कर लेनी है, जब भी इसकी मिट्टी ड्राई हो तभी आपको पानी देना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये है पोइनसेटिया की कटिंग और ये ठंडी का प्लांट है। ये देखें इसकी अभी लीफ ग्रीन है और ये सर्दी के टाइम पे अपना कलर चेंज कर लेता है, ये रेड हो जाता है। हर कलर का ये आता है, हर वैरायटी में आता है। तो ये देखें इसको भी मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग कर ली है और देखें इसमें भी इस तरह से मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया। फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप लगाओगे तो कभी भी आपकी कटिंग्स फेल नहीं होगी, 100% सक्सेसफुल होगी आपकी कटिंग। जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से आप लगाओ, आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। ये देखें इस तरह से, और ये एक और है। तो देखें मैंने नीचे नीचे के सारे पत्ते रिमूव कर लिए हैं और जो ऊपर के पत्ते बचे थे वो थोड़े बहुत मैंने रहने दिए थे। इसको भी मैं इसी में ऐसे लगा ले रही हूँ इस तरह से। और ये देखें फ्रेंड्स, ये बिगोनिया है। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से ये है इसका नोड एरिया, तो यहीं से हमारी रूट निकलती है। ये देखें इसका रूट भी आया हुआ, क्योंकि ये इसी प्लांट से ये टूट गया था। तो मैंने तो बताया ही है कि ये मैंने खुद कटिंग से लगाया था। तो ये देखें कितनी बढ़िया रूटिंग आई हुई है। तो इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ से ये है इसका नोड एरिया, यहाँ से इसकी कटिंग लगती है। तो कैसे लगाते हैं चलिए वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसको आज अभी मैं दो प्लांट बना ले रही हूँ, सॉरी। ये देखें इस तरह से, देखें फ्रेंड्स इस तरह से ये इसको लगा दे रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखें मेरे दो प्लांट बन गए। और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से ये है इसका नोड एरिया। इस तरह से अभी नीचे का लीफ हटा लेना है यहाँ से, देखें। देखें इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से, देखें इसको मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है, ठीक है। तो देखें इसमें कोई भी रूट नहीं है, देखें। और ये देखें इसका नोड एरिया है, यहीं से रूट निकलती है। जब भी आप लगाना तो ये ध्यान में रखते हुए लगाना, जैसे मैं बता रही हूँ उसी वैसे ही लगाना, तो 100% आपकी कटिंग लगेगी। तो चलो इसको इस तरह से, इस तरह से अच्छे से मिट्टी में दबा देना है। अभी ये कटिंग्स लगाने का बहुत ही बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स। और ये देखें फ्रेंड्स, आप पर्पल हार्ट की भी कटिंग लगा सकते हो। ये पर्पल हार्ट है और ये इस तरह से लीफ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पर इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसकी भी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। इस पर भी इंशाल्लाह मैं सब पे वीडियो लाऊँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है कोलियस। ये देखें इसको भी मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही कटिंग से ग्रो किया था, तो दिखाती हूँ अभी इसको निकाल कर कि इसमें रूट्स आई हैं या नहीं। तो ये देखें फ्रेंड्स कितनी बढ़िया रूट आई है, देखें देखें इस तरह से, देखें कितनी बढ़िया रूट आई है। तो इसको भी आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें इसका नोड एरिया है, तो इस तरह से यहाँ से देखें इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखें इस तरह से पत्ते रिमूव कर लें, और किसी भी प्लांट के साइड में ही आप इसको लगा सकते हो। जैसे ये प्लांट है मेरा, तो इसके मैं साइड में ही इसको लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजिली लग जाता है। और इसको भी मैं वापस से लगा दूँगी, इसमें भी नए नए पत्ते आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग का, ये जो भी प्लांट्स हैं आप जल्दी से रिपोर्ट कर ले, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो ये देखिए ये है मेरा चंपा का प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से ही प्रोपोगेट किया है, तो इसकी भी कटिंग बहुत बढ़िया से लग गई थी और इसका रूट बाउंड हो रहा था। तो इस तरह से इसको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने कल ही रिपोर्ट किया है। ये देखें इसको भी मैंने कल रिपोर्ट किया है।
और एक मैंने रिपोर्ट नहीं किया, उसको मैंने रखा हुआ है, उसकी फुल वीडियो लेकर आऊँगी, इस रिपोर्टिंग की फुल वीडियो लेकर आऊँगी, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी चली जाएगी। तो देखें, और इधर भी मैंने इस तरह से ये देखें कटिंग्स वगैरह लगा रखे हैं। ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस की कटिंग है। तो एक ही जगह मैंने ऐसे लगा दिया, जब इसमें रूट्स वगैरह आ जाएंगे तो अलग अलग मैं कर लूँगी इसको। तो इधर देखें जो भी मैंने अभी कटिंग्स लगाए हैं, तो इसमें अभी मैं पानी डाल दे रही हूँ इस तरह से, ज़्यादा नहीं पानी डालना है कटिंग में। और ये देखें इस तरह से, इसको भी मैंने कटिंग लगाया तो इस तरह से पानी डाल दूँगी। और इसमें मैंने अभी खाद डाला था, तो खाद डालने के बाद भी पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से। और फ्रेंड्स, खाद डालने के समय आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपको पानी नहीं देना है, जब आप खाद डालोगे, अगर शाम में खाद डालने वाले हो तो सुबह में आपको पानी नहीं देना है, शाम में खाद डालकर ही आपको फिर पानी देना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें पानी दे दिया है, और इस तरह से मैं बिगोनिया में भी थोड़ा सा पानी दे दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी किसी अच्छे वीडियो के साथ।